कंगना रनौत अपने बेबाकी वाले बयानों के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में उन्होंने दिवाली को लेकर एक क्रैकल फ्री को लेकर जो है ट्वीट किया और साथ में कई लिबरल से सवाल पूछा है। उन्होंने ये ट्वीट जो है किसी को जवाब देते हुए किया था और साथ में उन्होंने इस बात की डिमांड की है कि क्या हम दिवाली क्रैकल फ्री जो है पटाखों के बिना मनाते हैं। तो उन्होंने लिखा कि चलो दिवाली को पटाखा फ्री, क्रिसमस पेड़ों को काटे बिना और ईद जानवरों पर क्रूरता किए बिना सेलिब्रेट करें। क्या सभी लिबरल्स मुझसे सहमत है? यदि नहीं तो ये देखना आसान है कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि आप जो चाहते हैं वो क्यों चाहते हैं। अपने आप से पूछे कि आपकी इन डार्क इच्छाओं के पीछे का क्या कारण है। दरअसल उन्होंने एक ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा था जिसमें एक यूजर ने लिखा था, अगर अब दिवाली पटाखों के बिना मनाई जा रही है ताकि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके, तो फिर क्रिसमस को भी बिना पेड़ों के काटे बिना मनाया जाना चाहिए ताकि इस ग्रह को बचाया जा सके। सुनिश्चित करें कि हर लिबरल ये ट्वीट देखे और अपना स्टैंड ले। तो ये जो है शहजाद पूनावाला ने किया था, जो कहीं डिबेट्स में आपको दिखते होंगे। तो जब उन्होंने दिवाली और क्रिसमस पर बात की तो कंगना ने इस तरीके से अपना पक्ष रखा कि ठीक है, दिवाली जो है पटाखों के बिना मनाई जानी चाहिए, क्रिसमस भी पेड़ काटे बिना मनाए जाने चाहिए और ईद भी जो है जानवरों के साथ क्रूरता किए बिना मनाई जानी चाहिए। और उन्होंने कहा कि जो जो लिबरल्स अपने आप को मानते हैं और कहते हैं वो आगे आए और मेरा समर्थन करें। तो ये जो उनका ट्वीट है काफ़ी चर्चा में है। मैं आपको बता दूं, कंगना जो है ना सिर्फ नेपोटिज्म, बॉलीवुड में ड्रग, इनसाइडर, आउटसाइडर, कई बातों पर अपनी बेबाकी से राय रखती हैं और आपको पता ही होगा कि उनके ट्वीट की वजह से उन पर दो जो है कर्नाटक और मुंबई दो जगह जो है ऐसे मुकदमे चल चुके हैं और उन्हीं ट्वीट की वजह से, अपने इंटरव्यू की वजह से उन्हें समन भी भेजा गया है।